नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में स्कूली बच्चों को मिली बड़ी राहत। बिहार के इन 13 स्टेशनों पर यात्रियों की जेब हो रही है ढीली। बिहार में मिले कोविड-19 के 10 मामले। पंचायत चुनाव में दागी मुखिया जी को मिली बड़ी राहत। देश के 40% चीनी का उत्पादन करने वाले बिहार में मात्र 9 मिले हैं चालू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में स्कूली बच्चों को मिली बड़ी राहत। कोविड-19 के कम हो रहे मामलों को देखते हुए बिहार में स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारी मात्रा में छात्र अभी भी ऑनलाइन क्लास को तवज्जो दे रहे हैं। इसी तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बिहार में वायरल फीवर के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास के विकल्प को नीतीश सरकार ने इस साल के आखिर तक रखने का फैसला लिया है। इस बाबत बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूली बच्चों के लिए दिसंबर तक ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब राज्य के बच्चों के पास दोनों विकल्प मौजूद होंगे। यानी कि जो छात्र स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं वो स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, वहीं जो छात्र ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन मोड से पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार में मिले कोविड-19 के 10 मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 10 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 64 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, मधुबनी में 2, पटना में 4, समस्तीपुर में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, समस्तीपुर, सिवान, सुपौल, वैशाली, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,01,880 सैंपल की जांच की गई, वहीं 10 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। पंचायत चुनाव में दागी मुखिया जी को मिली बड़ी राहत। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत जिन मुखियाओं पर योजनाओं में गड़बड़ी करने का आरोप है लेकिन अब तक पंचायती राज विभाग की तरफ से उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है, ऐसे मुखिया पंचायत प्रतिनिधि पंचायत चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं। लगातार कई जिलों में मुखियाओं के चुनाव का हिस्सा बनने को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन पंचायत राज विभाग ने इन्हें अब तक दोषी करार नहीं दिया है, लिहाजा चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई है। देश के 40% चीनी का उत्पादन करने वाले बिहार में मात्र 9 मिले हैं चालू। एक वक्त ऐसा था जब बिहार देश के 40% चीनी का उत्पादन करता था, लेकिन आज गन्ना किसानों की बदहाल हो रही स्थिति के कारण बिहार में केवल 9 चीनी मिले चालू है। जानकारी के अनुसार आजादी से पहले बिहार में 33 चीनी मिले थी, लेकिन बाद में 28 में से इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। आज सिर्फ 9 मिले चालू हैं। साल 2018-19 में 84.02 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया, वहीं 2019-20 में 45.27 लाख क्विंटल से अधिक चीनी का उत्पादन हुआ। ल्यूटियन जेपी टशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बिहार की जमीन गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त है, यहां सस्ते दाम पर मजदूर भी उपलब्ध है। उसी समय से बिहार में लोग गन्ने की खेती करने लगे और धीरे धीरे चीनी उत्पादन शुरू हुआ था, लेकिन आज की स्थिति काफी दयनीय है। बिहार में फिलहाल 9 चीनी मिले अवस्था में है। पितृपक्ष को लेकर रेलवे हुआ अलर्ट। कोविड-19 के मामलों को ध्यान में रखते हुए पितृपक्ष मेले के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पिंडदान करने का आदेश जारी किया गया है। यही कारण है कि पितृपक्ष में गया जंक्शन पर यात्री सुविधा को लेकर रेल SP विकास बर्मन की अध्यक्षता में रेलवे विभिन्न विभागों के अधिकारियों और सुपरवाइजर के साथ विशेष बैठक कर रहा है, जिसमें रेल SP ने मुख्य रूप से पितृपक्ष को लेकर गया जंक्शन पर आने वाले यात्रियों और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा की है। इसको लेकर रेल SP ने कहा है कि गया में 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष को लेकर रेल प्रशासन भी सक्रिय है। रेलवे यात्रियों और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और उन्हें असुविधा ना हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। बिहार में फिर से मॉनसून सक्रिय। कई जिलों में बारिश को लेकर जताए गए आसार। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहा है, जिसके कारण प्रदेश में झमाझम बारिश जारी है। मौसम विज्ञानियों की माने तो प्रदेश में 30 सितंबर तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। जानकारों का कहना है कि उसके बाद की बारिश में कमी आने की उम्मीद है। शनिवार को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश गोपालगंज के हथुआ में देखने को मिली, जिसके तहत वहां पर 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पटना मौसम विज्ञान के विज्ञानी संजीव कुमार की माने तो वर्तमान में मॉनसून की तरफ से लाइन बीकानेर, मध्य प्रदेश के सतना और जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। वहीं ओडिशा में चक्रवात बनने के कारण प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। रविवार को भी इसी तरह की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। जूनियर सीनियर डिवीजन के कैडर में प्रोन्नत किए गए 19 न्यायिक पदाधिकारी। सिविल जज कैडर के 19 न्यायिक पदाधिकारी को सिविल जज यानी कि
सीनियर डिवीजन के कैडर में प्रोन्नति दे दी गई है। इसके लिए एक अधिसूचना पटना हाईकोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार शेखपुरा के मुंशी से न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम जिगर शाह को प्रोन्नति देते हुए इन्हें सब जज सह ACJM शेखपुरा नियुक्त किया गया है। वहीं SDJM नालंदा देवेश कुमार को प्रोन्नति देते हुए सब जज सह ACJM हिलसा नालंदा में स्थानांतरण किया गया है। इसके साथ ही मुकेश शुक्ला को लखीसराय का सब जज सह ACJM और पूर्णिया के मुंसीफ कुलदीप को सब जज ACJM पूर्णिया नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य लोगों की नियुक्ति भी की गई है। बिहार के इन 13 स्टेशनों पर यात्रियों की जेब हो रही है ढीली। बिहार के इन 13 स्टेशनों पर यात्रियों की जेब और ज्यादा ढीली हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेल के 5 रेल मंडल के 720 स्टेशनों में से 13 में अभी भी बड़े मूल्य पर प्लेटफॉर्म टिकट बेचे जा रहे हैं। COVID-19 के कारण स्टेशन परिसर में लोगों की भीड़ को हतोत्साहित करने के तर्क के साथ प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद भी बढ़ी हुई राशि कम नहीं की जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बढ़ाया गया प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में कटौती की गई थी, जिसके तहत प्लेटफॉर्म टिकट अब मात्र 20 रुपये लिए जा रहे हैं। लेकिन बिहार के 13 स्टेशन पर स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इसमें अकेले पटना जंक्शन पर रोजाना 900 से अधिक प्लेटफॉर्म टिकट बिक रहे हैं। दरभंगा को मिथिला की राजधानी बनाए जाने की उठी मांग। बीते दिन दरभंगा के होटल ग्रासिया इंटरनेशनल में मिथिला राज्य निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें मिथिला राज्य निर्माण सेना के प्रदेश महासचिव राजेश झा उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि आंदोलन की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जनगणना में मैथिली और बदला का अधिकार छीनने का प्रयास किया गया है और पिछले 70 वर्षों से यह जारी है। सत्ता के दमनकारी नीति के विरोध में 26 सितंबर से मिथिला पुनर्जागरण यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस यात्रा का आयोजन 5 चरणों में किया जाएगा, जिसके तहत यह यात्रा मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। दूसरे चरण में कोसी और तीसरे चरण में पूर्णिया कमिश्नरी को सम्मिलित किया जाएगा। 32 ADJ बनाए गए जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार में सचिव। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के विभिन्न जिलों में ADJ के पदों पर कार्यरत 32 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उनके जिले में ही जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार में सचिव के पद पर पदस्थापित करने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत जिन ADJ को जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार में सचिव बनाया गया है उसमें धीरेन्द्र कुमार, सर्वेश कुमार रॉय, अनवर शमीम, अतुल वीर सिंह, धर्मेंद्र कुमार तिवारी, जावेद आलम, गौरव आनंद, अंजू सिंह, वीरेंद्र शुक्ला, देवेश कुमार, राकेश कुमार, सुमित रंजन समेत कई नाम शामिल किए गए हैं। ददन पहलवान की 68 लाख की संपत्ति ईडी ने की जब्त। बिहार के बहुचर्चित नेता और पूर्व मंत्री ददन पहलवान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं। ईडी ने ददन पहलवान की 68 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। इसको लेकर एजेंसी ने साफ तौर पर कहा है कि ददन पहलवान ने अपराध कर इतनी संपत्ति बनाई है, उन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। ईडी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ददन पहलवान के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनकी 7 लग्जरी गाड़ियों के साथ भूखंडों को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया गया है। ईडी के मुताबिक ददन सिंह उर्फ ददन पहलवान का बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में आपराधिक इतिहास रहा है। लोकसभा और विधानसभा की तैयारियों में जुटा जदयू। राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में ताजपोशी के बाद ललन सिंह लगातार बैठक कर रहे हैं। पार्टी नेताओं को जहां जिलों में भ्रमण करने के लिए कह दिया गया है, वहीं समीक्षा का दौर भी शुरू हो गया है। इस बाबत ललन सिंह की अध्यक्षता में प्रमंडलीय स्तर की बैठक कर्पूरी सभागार में बीते दिन आयोजित करवाई गई थी, जिसमें विधायक और पूर्व प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया था, जहां हार के कारणों की समीक्षा और भविष्य की रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई। प्रमंडलीय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक के जरिए पार्टी कमियों को दूर करने की कवायद में जुट गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी को मजबूत करने के लिए माइक्रो लेवल पर काम भी शुरू कर दिया है। ललन सिंह ने तमाम नेताओं को जिले में भ्रमण करने का निर्देश दिया है। मंत्री और पार्टी पदाधिकारी जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। रेलवे बिहार में फिर से चलने जा रही है 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मध्य पूर्व रेलवे ने आज से राज्य के रेल यात्रियों के लिए 12 जोड़ी मेमू और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला लिया है। रेलवे का यह फैसला पूरे राज्य में चले विशेष टीकाकरण अभियान के बाद लिया गया है, क्योंकि विशेष टीकाकरण अभियान में बिहार टॉप पर रहा। अब तक के सारे COVID-19 वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 30,67,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया, क्योंकि टीकाकरण इतनी भारी मात्रा में हुआ है। इसी को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 19 सितंबर से पूर्व मध्य रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू कर रही है, जिसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तेजस्वी यादव, मीसा भारती, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष समेत 6 पर FIR हुआ दर्ज। राजद विधायक तेजस्वी यादव सहित 6 लोगों के खिलाफ परिवाद पत्र मामले को लेकर पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। इस बाबत परिवाद पत्र को कोतवाली थाना भेज दिया गया है। दरअसल यह मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर
5 करोड़ ठगने का है, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ साथ राज्यसभा सदस्य बेटी मीसा भारती को भी आरोपी बनाया गया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी पर कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के CJM की अदालत में 18 अगस्त को एक परिवाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने चुनाव में टिकट देने के नाम पर पैसे लिए जाने की बात कही है। IPL फ्रेंचाइजीज में रिप्लेसमेंट के तौर पर कुछ और खिलाड़ी हुए शामिल। IPL फ्रेंचाइजीज दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियन, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर हैदराबाद ने बचे हुए IPL 2021 सीजन के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पर कुछ और खिलाड़ियों को चुन लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को जगह ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन द्वारशुई को टीम में शामिल किया है। द्वारशुई ने अब तक 82 T20 मुकाबले खेले और 100 विकेट लिए हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजीज ने एम सिद्धार्थ के स्थान पर बाएं हाथ के माध्यम से तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को चुना है। खेजरोलिया ने इससे पहले IPL में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्रतिनिधित्व किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाले IPL मुकाबले में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।